प्यार की कई कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी, पर वृंदा और भाविन की प्रेम कहानी थोड़ी अलग है। चलिए जानते हैं कि इनकी मुलाकात कहां और कैसे हुई। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ हमारी कॉमन फ्रेंड्स है, मतलब इसका फ्रेंड था और मेरी फ्रेंड थी जिनकी शादी हो रही थी, तो हम उनकी प्री मैरिज पार्टी में मिले थे एंड आई वाज ऑल अलोन। मेरी जो फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से मैं किसी को नहीं जानती थी एंड इसका भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन था, ये अकेला था। तो उन दोनों ने बोला कि तुम दोनों एक साथ आ जाओ एंड वी वर लाइक कि ठीक है, एटलीस्ट कंपनी मिलेगी नो, एक साथ चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ हम मिले फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं इसको पिकअप करने गया था, तभी उसने मेरे को शायद आई थिंक 45 मिनट वेट करा रहा था नीचे गाड़ी में। ठीक है, लड़की हूँ, तैयार होने में टाइम लगता है। बट ये रुका था, ये चाहता तो जा भी सकता था, बट ही वॉज अ जेंटलमैन, सो आई थिंक ये रुका था मेरे लिए। एंड बोरेवली से लेके हमें अंधेरी तक जाना था और मुझे याद है कि थ्रू आउट गाड़ी में सिर्फ मैंने बक बक की है, जैसे कि अभी भी चुप है, तो ये चुप ही रहता है ज्यादातर और ज्यादा बोलने का काम नहीं करता। बता दें कि इनके प्रपोजल की कहानी है बेहद इंटरेस्टिंग। वर्ली सी फेस पे थे हम, सीलिंग क्रॉस कर लिया और फिर वर्ली पे इसने गाड़ी रोकी और गाड़ी के अंदर प्रपोज कर रहा है। और ये आज तक मेरे लिए जितनी बार भी प्रपोजल के लिए रिंग लाया है ना, मुझे एक भी रिंग नहीं हुई है, सारी हमें रिटर्न करनी पड़ी है। और रिंग के बदले में हमें कुछ ना कुछ और झूलती लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जहाँ से भी रिंग लाता है ना, उनके पास मेरे साइज की रिंग ही नहीं। वी एक्चुअली डेटेड फॉर वन मंथ। मैंने पहले हाँ बोला, मैंने हम लोग ने डेट किया 1 मंथ, फिर 1 मंथ के बाद ना बोल दिया कि यार नहीं नहीं हो रहा है, नो ट्यूनिंग, नो मतलब बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं थी ना हम दोनों के बीच में। चाहे हम कितना भी एकदम फोर्सफुली एक दूसरे को लव यू बोल रहे थे ना, वो फील नहीं होता था। तो मैंने बोला कि अगर फील नहीं हो रहा है तो यू नो इट डजंट मेक सेंस कि हम एक रिलेशनशिप में जाए एंड यू नो हम उसको इतना टाइम तक स्ट्रेच करें। तो हमने तभी ना बोल दिया एंड देन उसके बाद भी डिसाइडेड कि चलो उससे फ्रेंड्स बनते हैं। एक टिपिकल वो थोड़ी मूवी टाइप स्टोरी है कि चलो लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स एंड देन विल सी आगे। तो हर बार जब हम बीच बीच में मिलते थे, जब हम फ्रेंड्स थे, हम दोनों एक दूसरे को बोलते रहते थे कि अरे यार कोई मिल नहीं रहा है, ये भी बोलता था अरे कोई मिल नहीं रही है। तो हम ऐसे ही बोलते थे कि सुन ना, और 2-3 साल रुकते, कोई नहीं मिला ना तो हम ही शादी कर लेंगे। तो ऐसा हम बोलते थे, सीरियसली मस्ती में बोलते थे एक दूसरे को। बट फिर पता नहीं अचानक मैंने कुछ मस्ती में ऐसे ही पूछ लिया उसको, करेगी मुझसे शादी, तो इसने हाँ बोल दिया। हाँ, क्योंकि मुझे था ये मस्ती कर रहा है तो मैंने भी हाँ बोल दिया। बट फिर वो मस्ती में ही हम दोनों साथ में सीरियस कब हो गए पता नहीं। दो बार इस रिश्ते को ना कर चुकी थी, वहाँ कब और कैसे उन्हें लगा कि यही है मेरा परफेक्ट मैच? एक्चुअली ना जब सेकंड टाइम भी मैंने हाँ बोला ना, फ्रैंकली मेरे को ऐसी फीलिंग्स नहीं थी इसके लिए, आई वाज जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। बट द वे ही यूज्ड टू लव मी, यू नो वो हर छोटी चीज पे मेरा ध्यान रखता था, इसने बहुत बहुत प्यार किया, लाइक अभी भी इतना ही प्यार करता है मुझे। सो समवेयर somewhere that made me fell for him and I was like कि नहीं यार आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते and firstly you know no अगर मिलते भी है तो कोई इतना प्यार नहीं करता है। भाई पहली एंगेजमेंट रिंग के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, आखिर कहाँ पसंद आई और वो आपकी उंगली में हुई या नहीं? एक्चुअली हम एक एग्जीबिशन में गए थे साथ में और वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स थे लाइक ज्वेलरी के। तो बेसिकली यू नो एंगेजमेंट रिंग में सॉलिटेयर होता है और बेसिक रिंग्स होती है। सो मेरे को हमेशा से था कि मुझे एक ब्रॉड वाली, हाँ मुझे बेसिक पतली रिंग नहीं चाहिए, आई वांट अ ब्रॉड रिंग लाइक यू नो बिट ब्रॉड एंड जो ऐसे मैं दिखा सकूँ और मैं ऐसे बस बताऊँ कि हाँ ये है मेरी एंगेजमेंट रिंग। चलिए ये भी जानते हैं कि दोनों में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं। हम दोनों को शॉपिंग पसंद है, वी बोथ लव टू वॉच मूवीज, वी डोंट मिस एनी मूवी मोस्टली। आजकल थोड़ी ज़्यादा मिस हो गई हमसे, बट वी विल बी बैक ऑन ट्रैक एंड वी बोथ आर फूडी समवेयर।
ऐसी कौन सी चीजें हैं वृंदा जो आपको भाविन की बिल्कुल पसंद नहीं है? ये इसकी शक्ल देखिए, ये है वो इंसान जो अपनी चीजें बिल्कुल सही जगह पे नहीं रखता और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इससे, तो मैं ना इसको डराती रहती हूँ और अभी से धमकाती रहती हूँ कि ये सब अभी है, तेरे पास और कुछ टाइम है, तब तक तो ये सब कर ले, बिकॉज शादी के बाद तो सोचना भी मत कि तू रूम ऐसे रख सकता। वैसे वृंदा, हमने सुना है कि आपको इन लॉज फैमिली बहुत प्यार करती है। एक्चुअली इसकी जलती है, बिकॉज सब मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ भी, सो दैट्स व्हाई इसकी मामी मासी सब ना मेरे को हमेशा हाँ वृंदा हाँ बेटा अभी तो ऐसे सब करते रहते हैं और इसको कोई नहीं करता है, तो ये ना ये सामने से जाके बोलते हैं मैं भी हूँ तो इसकी बहुत जलती है वो सब चीजों से, इसीलिए शक्लें बना रही है। लेकिन वो सबके सामने इसके पास एक बहुत पावरफुल इंसान है जो है मेरी माँ जो इसकी वकील बन के घूमती रहती है हमेशा चारों तरफ। मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो मेरी माँ है कि इसकी माँ है मैं अगर कुछ भी कर लूँ ना, भले इसकी भी गलती हो तो भी मेरे पे आएगा, तूने कुछ किया होगा, वो तो बेचारा इतना सीधा साधा है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। सो आई डोंट नो, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है लॉर्ड। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी आजकल के एक नए कपल से और जानिए उनके प्यार की कहानी। हाय, दिस इज वृंदा दावड़ा, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स, प्लीज सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी।